वो निकालो का है। दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। कि हम आज यहां 50 साल से खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। 81 से हमारे ठेले साइड हार्ट ठेला एसोसिएशन के नाम से रजिस्ट्रेशन है और बराबर केस चल रहे हैं और चलते चलते सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हमने केस अपना फाइनल किया है और ये शटर खोला गया, नायज खोला गया। पहले इसके आदेश हो चुके हैं श्रीमान कोर्ट से, आप उसकी नकल ले सकते हो और देख सकते हो। बाबूजी आप कहाँ पे दुकान पे क्या लगाते थे? ये फ्रूट का ठेला है हमारा, फल फ्रूट का। हाँ, फल फ्रूट का है। कितने साल से लगाते हो? 40 साल 50 साल से। आपने क्या इनके ऊपर केस करा था क्या? हाँ, साइड हार्ट ठेला एसोसिएशन के नाम से यूनियन बनी हुई है हमारी, ठीक है ना। उसमें हमारे 65 ठेले हैं, 65 में हमारे ये 6-7 नाम है, ये भी इसमें अंकित है। अच्छा। अब ये अगर ये उसमें हेरा फेरी करके इनको अलग करना चाह रहे हैं, ये किनको? 6 नामों को। ये भी इनसे मिली भक्ति हो रही है। तो दुकान कौन सी, काय की दुकान? आलवानी साइकिल स्टोर के नाम से है और बराबर साइकिल की ये चली आ रही है। बंद था ये शटर टोटल शुरू से, 81 से ही बंद है। उसके बाद में बीच में इन्होंने यहाँ ये दीवार तोड़ के शटर निकाला था, उसके बाद में हमने केस किया और केस हमारे पक्ष में आया, भाई आप शटर यहाँ नहीं निकाल सकते हो। आपको किस तरह की परेशानी हो रही है? जो ठेला नहीं लगाने दे रहे इसी बात की परेशानी। प्रशासन गए थे आप? पुलिस प्रशासन के पास तो गए और एफिडेविट मांग रहे हैं वो, तो हम एफिडेविट देने को तैयार है। कैलाश चंद्र। ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कोई जो आरोप लगा रहे बेबुनियाद आरोप है, हमने किसी को भी हटाया नहीं है। जैसा कि मैं आलवानी साइकिल कंपनी से जितेंद्र आलवानी, मेरी दुकान है और उसके बाहर अगर ठेले लगते हैं जो कि गलत है, नॉन वेंडिंग जोन में ठेले लगना गलत है और इसके लिए प्लाटा थाने से नगर निगम से भी सख्त आदेश आए हैं कि वहाँ के ठेले लगने नहीं देने। उसके बाद भी बोले हम ठेले लगाएंगे। नगर निगम से एक अधिकारी हैं जिनका नाम सत्यनारायण वोरा है, वो बार बार प्रेशर डाल रहे हैं कि शटर डाउन कर दे क्योंकि ये लोग ठेला लगाएंगे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के सामने अगर मैं शटर लगा लूँगा तो सरकार मैं कमाऊँ कैसे खाऊँगा। अभी रिसेंटली मेरे पिताजी का देहांत हुआ है, अब हो सकता है हम दोनों भाइयों में मतभेद हो, उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होने का अधिकार तो मेरे को है ही। अगर उसकी स्थिति में अगर ये लोग अगर मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो मैं धंधा कैसे करूँगा? उनके तरफ प्रेशर डाला जा रहा है कि शटर डाउन करके ये लोग आगे ठेला खड़ा करेंगे। आपके ऊपर प्रेशर कौन डाल रहा है? सत्यनारायण वोरा जी। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि नॉन वेंडिंग जोन में ठेले खड़े करेंगे। उनको ठेले वालों को फुल सपोर्ट सत्यनारायण वोरा जी कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नॉन वेंडिंग जोन के अंदर अगर ठेले खड़े करेंगे तो हमारा धंधा सत्यानाश हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? सर ये कह रहे हैं कि हम 50 साल से 60 साल से लगा रहे हैं और 40 साल से दुकान है, उस पर केस करा हुआ है और ये केस जीते हुए हैं उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है, कोई वर्जन कोई बात वजन नहीं है। आपने दुकान खोली है, इसके आपके पास नक्शे या दुकान के पेपर पर है? सारे लीगल नक्शे हैं, सारे लीगल पेपर है, समय आने में प्रस्तुत भी करूँगा, जहाँ जहाँ बोलेंगे प्रस्तुत करने को तैयार हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। अभी एक गाइडलाइन थाने से आपके ये दुकान के सामने ठेला नहीं खड़ा करना, ये गाइडलाइन पास हुई थी और आपकी दुकान के सामने आप कह रहे कि सत्यनारायण जी बोरा कह रहे ठेला खड़ा करो। हाँ, क्या मानते हो आप? नहीं, उनका बार बार प्रेशर आ रहा है कि एक शटर डाउन कर लो ताकि वो सत्यनारायण बोरा जी इनको सामने ठेला लगवाएंगे, जो कि गलत है। जब तक शटर डाउन था ना ठेले खड़े गए तब मैं कुछ नहीं बोल रहा था, अब समय आ गया है मेरा शोरूम ओपन करने का टाइम, और शोरूम में सामने ठेला लगेगा तो बड़े कस्टमर मेरे पास कैसे आएंगे? मैं अपना गृहस्थी के चलाऊँगा, रात पिताजी के देहांत के बाद मेरे पे प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन मेरा सहयोग करे और नॉन वेंडिंग जोन में ठेले नहीं लगने देवे। मैं प्रशासन से और नगर निगम से बार बार आग्रह करूँगा कि इनको अपने तरीके से अपनी कानूनी कार्रवाई करके समाधान निकालें। अभी आपकी दुकान के उनका से एक ही समाधान है कि हम 40 साल ठेले लगाते हुए आए, अभी भी लगाएंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक तुमने लगाया, जब तक मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो चुका, मेरे पिताजी भी नहीं रहे, अब जब पिताजी नहीं रहे मेरे पे पूरे परिवार का लालन पोषण का जिम्मेदार मेरे पे है। अब जाहिर सी बात है अगर ये काम अगर एक बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसके लिए मैं सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को
सामूहिक रूप से व्यवसाय करने के लिए सुचारू रूप से सही स्थान जगह दिया जाए ताकि मैं अपना व्यवसाय कर सकूँ। जितेंद्र आलवानी, आलवानी साइकिल कंपनी पढ़ाओ।